नमस्कार, मैं रविश कुमार। सूत्रों और मुताबिक इन दोनों का इतना जलवा रहा कि दिल्ली में चर्चा गुलजार रही कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से औपचारिक ऐलान तो नहीं किया है, मगर ऐसे गोपनीय मामले बाहर भी आ जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस और आप आपस में भिड़ भी जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 विधायकों की सदस्यता का मामला है तो आखिर उनकी भी नौकरी जाने वाली है, इसलिए नौकरी सीरीज में आज उनकी बात कर लेते हैं। आप नौजवान दुखी ना हो, खासकर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वाले परीक्षार्थी मेरे ध्यान में हैं। हम अगले हफ्ते या फिर जब भी समय मिलेगा आपका मोर्चा संभालेंगे। एसएससी 15 और 16 के पास हुए अभ्यर्थियों के लिए कितना अच्छा होता कि केंद्र सरकार 26 जनवरी से पहले उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे देती। विधायकों को छोड़िए, वो अपना जीतते हारते रहेंगे, इनके घरों में खुशियां आ जाती। बहरहाल दिल्ली के विधायकों की तरफ मुड़ते हैं। चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में 20 विधायकों की सदस्यता पर राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिश भेज दी है। हमारे सहयोगी हृदेश जोशी के अनुसार आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के पास दस्तखत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। इस मामले में वे लौटाकर दोबारा राय नहीं पूछ सकते हैं, उसके बाद अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस मामले की टाइमलाइन भी देख लीजिए ताकि समय पता चले कि कहां से मामला शुरू हुआ। 13 मार्च 2015 को अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किया। 19 जून 2015 को वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। 24 जून 2015 को दिल्ली विधानसभा में रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2015 पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया। इसमें बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से संसदीय सचिवों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में छूट देने की बात थी। 13 जून 2016 को राष्ट्रपति ने बिल पर दस्तखत करने से मना किया। क्यों किया इसका पब्लिक में कोई ज्ञान नहीं है। 25 जून 2016 को केंद्र सरकार ने बिल विधानसभा को भेज दिया। 14 से 21 जुलाई 2016 के बीच चुनाव आयोग ने 21 विधायकों को पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया कि ये याचिका जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं है। 8 सितंबर 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया और 8 सितंबर 2016 को चुनाव आयोग ने 21 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। 24 जून 2017 को चुनाव आयोग ने आप विधायकों की अपील रिजेक्ट कर दी। अक्टूबर 9 2017 को फिर से नोटिस जारी कर आयोग ने विधायकों से सफाई मांगी। 19 जनवरी 2018 को सदस्यता रद्द करने की सिफारिश गुप्त सूत्रों से बाहर आती है। हाईकोर्ट ने इन विधायकों की नियुक्ति रद्द कर दी और कहा कि उपराज्यपाल की इस पर दस्तखत नहीं थे, इसलिए अवैध है। इस पर बहस हुई कि जब नियुक्ति ही अवैध है तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला कैसे हो गया। तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट के अवैध मानने के पहले तक तो आपके विधायक सचिव के पद पे थे। अब दूसरा सवाल है कि क्या आपके विधायकों ने लाभ लिया, यानी सैलरी या भत्ता ली। आपके विधायक कह रहे हैं कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिया, कमरा मिला है, एक खबर आती है, और कमरे के रखरखाव पर खर्च हुआ था। पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में साफ कहा गया है कि लाभ का पद यानी विधायक को लाभ मिल रहा है या नहीं। क्या लाभ का पद सिर्फ सैलरी से तय होगा, उन्हें बाकी चीजों से नहीं होगा, यानी हटाने या नियुक्त करने का अधिकार से। इस पर बहस हो सकती है। देखना होगा कि चुनाव आयोग के पास क्या तथ्य है। देखिए, लोग कहते हैं नैतिकता और अरविंद केजरीवाल जी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मोरालिटी एंड मिस्टर अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैव नो रिलेशंस एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई टुडे इन द पीपल्स कोर्ट We keep this question for anyone and everyone to think, ponder and answer that shouldn't Mr. Arvind Kejriwal resign after what has happened today? Kya Arvind Kejriwal ji ko istifa nahi dena chahiye? Naitikta ke aadhar par. लाभ का पद ये इसलिए है क्योंकि संविधानिक तौर के ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू मिनिस्टर्स दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है, और इन्होंने जब अपॉइंटमेंट भी हुई तो उसमें नोटिफिकेशन यह निकाला गया कि इनको ऑफिस गाड़ी सबका पद का के साथ में जो पर्क्स हैं वो सब इनको दिए जाएंगे, जो कि इनको नहीं अलाउड था। और इन लोगों ने उसका उपयोग भी किया, जो कि जिसका सारा प्रूफ इलेक्शन कमीशन के पास में है, और इस वजह से इन्होंने सरकारी पदों का दुरुपयोग किया, टैक्स पेयर्स के मनी का के पैसों का इन्होंने दुरुपयोग किया, इसलिए इनको हटना ही पड़ेगा। जिस मामले में हाईकोर्ट कह चुका है कि ये संसदीय सचिव नहीं है, उनकी संसदीय सचिव को ऑलरेडी रद्द किया जा चुका है, उस मामले में चुनाव आयोग इतनी तत्परता दिखाकर, इतना आगे बढ़कर
उनकी सदस्यता रद्द करने पर आमादा क्यों है? क्या इस देश में कोई न्याय, कोई कानून, कोई नियम, कोई व्यवस्था रही नहीं गई है? आप एक तरफा बगैर किसी का पक्ष सुने, उनको सुनवाई का मौका दिए बगैर, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आपने उनकी सदस्यता रद्द करने की रिकमेंडेशन दे दी, आगे भेज दी राष्ट्रपति के पास, इस प्रकार की खबरें आ रही। लाभ के पद का मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट ने लाभ के पद क्या है इसकी स्पष्ट व्याख्या की है। 21 अगस्त इसका इतिहास भी जान लीजिए। 1954 को लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर साहब ने राज्यसभा के चेयरमैन से सलाह कर एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए कमेटी बनाई, जिसे भार्गव कमेटी कहते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव जो हरियाणा हिसार के उस वक्त सांसद थे। कमेटी का सुझाव था कि एक बिल लाकर साफ कर दिया जाए कि कौन सा पद लाभ का है कौन सा नहीं। पीडीटी आचार्य जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट निर्धारित करने के लिए कुछ टेस्ट तय किए हैं। पहला टेस्ट यह है कि ऑफिस है या नहीं है, यानी कार्यपालिका का हिस्सा है या नहीं है। दूसरा टेस्ट है कि प्रॉफिट हुआ या नहीं, या सैलरी वगैरह मिली या नहीं। सबसे अहम टेस्ट है कि क्या सरकार ने नियुक्ति की है, क्या उसके पास हटाने का अधिकार है, क्या सरकार विधायक को वेतन देती है, भत्ते का भुगतान करती है। लाभ के पद के पीछे आदर्श कल्पना यह थी कि विधायक कोई दूसरा काम ना करे, उसका काम सदन में होना है और जनता की आवाज उठाना है, वह सरकार के नियंत्रण में नहीं हो, वरना जनता की आवाज नहीं उठा पाएगा। पर क्या यह व्यवहारिक रूप से लागू है? अव्वल तो विधानसभाओं के सत्र भी बहुत कम दिनों के होते हैं, क्या यह नैतिक अपराध नहीं है? यही नहीं, विधायक सदन में व्हिप के आधार पर अपनी पार्टी के लिए वोट करता है, वह जनता के आधार पर नहीं करता। यह जनता का प्रतिनिधि कागज पर तो है, मगर वोट पार्टी के व्हिप के हिसाब से दे रहा है। फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कल्पना का क्या मतलब रह जाता है? आप खुद एक बार सोचिए, एक बार पौंडीचेरी के मेयर पद पर विधायक की नियुक्ति हो गई, इसे चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान लिया क्योंकि कई तरह के भत्ते मिलते थे, मगर इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया क्योंकि मेयर का पद सरकार के नियंत्रण में नहीं आता था। कुल मिलाकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई एक मान्य व्याख्या नहीं मिलती है। 2006 में शीला दीक्षित ने कांग्रेस के 19 विधायकों को कई प्रकार के पद दिए, संसदीय सचिव से लेकर ट्रांस यमुना एरिया के डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आदि आदि। नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग ने 19 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नोटिस भेज दिया। शीला दीक्षित ने अपनी सरकार बचाने के लिए एक विधेयक ले आई, 14 कार्यालयों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर कर दिया। शीला दीक्षित ने कहा कि सरकार बचाना मेरा हक है और संवैधानिक तौर पर हम ऐसा कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने राष्ट्रपति को विधेयक दोबारा भेजा और दस्तखत हो गया। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ, उन पर आरोप लग रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी बैक डेट से कोई कानून लागू नहीं होता। संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य कहते हैं कि कई राज्यों ने पहले नियुक्ति की, फिर बाद में कानून बनाकर उस पद को लाभ के दायरे से बाहर किया, यानी बैक डेट में छूट दी और अदालत ने भी माना। जैसे राजस्थान के कांग्रेस विधायक कांता कथुरिया का एक मामला है 1969 का। इस केस में हुआ यह कि कांता कथुरिया की लाभ के पद पर नियुक्ति हुई, हाईकोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई, तब विधानसभा ने कानून पास कर उनके पद को लाभ के दायरे से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर सदस्यता रद्द नहीं की, विधेयक जो कानून था उसे मान लिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 191 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है जिससे पता चलता है कि घोषणा बैक डेट से नहीं हो सकती, यानी आप नियुक्ति करने के बाद कानून बनाकर उसे पद को हटा नहीं सकते। इसी तरह का बिल झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी पास हुआ है। फिर अरविंद केजरीवाल सरकार का बनाया कानून क्यों नहीं मान्य हुआ, कारण हम नहीं जानते क्योंकि पब्लिक में नहीं है। क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करप्शन है, क्या संवैधानिक नैतिकता का मामला है? तो फिर हर राज्य में एक ही पैमाना होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता का पैमाना तो हर राज्य में एक ही होना चाहिए। आप दिमाग लगा सकते हैं, हर राज्य की अलग अलग संवैधानिक नैतिकता नहीं हो सकती है। इस मामले में बहुत कंफ्यूजन दिखता है। हरियाणा में भी 4 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया खट्टर साहब की सरकार में। 18 जुलाई 2017 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति रद्द कर दी। 50,000 सैलरी मिली इनको, 1,00,000 से ज्यादा भत्ता मिला, लेकिन क्या इनकी सदस्यता गई? नहीं गई, मगर नियुक्ति अवैध ठहरा दी गई। 14 नवंबर 2017 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी खबर छापी है एक कि राजस्थान हाईकोर्ट ने वहां के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव को संसदीय सचिव के मामले में नोटिस जारी किया है। राजस्थान में 10 संसदीय सचिव बनाए गए हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। क्या यह कोई करप्शन है? बात करेंगे। क्या इनकी सदस्यता जा रही है? चुनाव आयोग कुछ कर रहा है? मेरे पास ठोस जानकारी नहीं है। एक मामला और पुराना है। ममता बनर्जी जब दूसरी बार सत्ता में आई
उससे पहले उन्होंने 24 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया। कानून ले आई मगर 2013 में वो कानून कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कहीं सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, कहीं कोलकाता हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता है। 24 विधायकों की नियुक्ति रद्द हुई। मार्च 2015 को दिल्ली के 21 विधायक संसदीय सचिव बनते हैं। उसके दो महीने बाद उसी साल मई 2015 में छत्तीसगढ़ में 11 विधायकों को रमन सिंह सरकार संसदीय सचिव बनाती है। छत्तीसगढ़ का फैसला आज तक नहीं आया, दिल्ली का आ गया कथित रूप से। 1 अगस्त 2017 को न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सभी संसदीय सचिवों के अधिकार रद्द कर दिए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इनकी नियुक्ति गवर्नर से नहीं हुई है जैसे दिल्ली में कहा, तो इनकी नियुक्ति वैध नहीं मानी जाएगी। इसी तरह का फैसला दिल्ली में था। तो 27 जून 2017 की एक और खबर मिली, ये खबर टेलीग्राफ और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। इसके अनुसार चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि क्या 109 विधायक और 9 मंत्री ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आते हैं। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश से पूछा था। आम आदमी पार्टी की शिकायत थी कि 116 विधायक जन भागीदारी समिति के सदस्य थे जो लाभ का पद है, और 2 मंत्रियों को स्काउट एंड गाइड का आयुक्त नियुक्त किया गया, कमिश्नर बनाया गया। ये मंत्री थे बिजली मंत्री पारस जैन और स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक जोशी। क्या इन्होंने लाभ के पद का उल्लंघन किया? चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लाभ के पद के मामले में क्या अंतिम रुख लिया है या हरियाणा के मामले में कब लेगा हमें नहीं पता। सदस्यता रद्द होने की खबर सुनने के बाद आपके कुछ विधायक दिल्ली हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से आदेश के बारे में पूछा तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा अभी देर शाम चुनाव आयोग से उनका संपर्क नहीं हो सका। वकील ने कहा आयोग से संपर्क नहीं हो सका है, उन्हें समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने विधायकों के व्यवहार पर सवाल उठाया, कहा कि विधायक कोर्ट में मामला लंबित होने की आड़ ले रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने भी कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार किया और अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। तो इतने सारे तथ्य जल्दी जल्दी में बताएं क्योंकि बाकी तो कोई बताएगा नहीं। और जो परीक्षार्थी हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं, जिनके लिए सरकार वैकेंसी निकाल कर बेरोजगार रख देती है, उनके काम आएगा जब वो 50 साल के हो जाएंगे।